तो अभी हम N160 का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बाइक आपको किस वजह से नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले मुझे जो इसमें एक दिक्कत लगा है कि 160 सेगमेंट में ये सबसे भारी गाड़ी है। तो अगर आप वेट का बात करें तो जब आप गाड़ी को थोड़ा खींचने चाहेंगे वो 100 स्पीड के प्लस में, तो आप फील करेंगे कि गाड़ी का जो वेट है वो उसका थोड़ा सा रोक रहा है। ये मेरा फर्स्ट दिक्कत लगा है। और सेकंड जो मुझे दिक्कत लगा है, इसका जो सामने वाला मड गार्ड है, इसका जो लेंथ है ये और थोड़ा सा होना चाहिए था ताकि गंदगी ज़्यादा ऊपर ना उठे। आप देख सकते हैं इसका कैथलिक कन्वर्टर जो इंजन है पूरा कीचड़ मिट्टी लग गया है। इसका जो मड गार्ड है ये थोड़ा फंक्शनेबल कम है, तो ये एक दिक्कत मुझे लगा है इस गाड़ी में। इसका पीछे का मड गार्ड भी अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा फंक्शनेबल नहीं है। हालांकि अभी रेनी सीजन है, कीचड़ तो थोड़ा होगा, लेकिन ये गाड़ी थोड़ा ज़्यादा ही कीचड़ उछल रहा है। तो नेगेटिव के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सिर्फ इसका वेट और ये मड गार्ड का फंक्शन बस। और हाँ, एक और नेगेटिव चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसका जो हेडलाइट है, इसका जो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पावर मिलने वाला है, लेकिन इसका जो लो बीम जैसा ये प्रोजेक्ट करता है ना, तो इसका लो बीम का सामने वाला जो हिस्सा है वो मुझे रात में थोड़ा सा दिक्कत लगा है कि लाइट थोड़ा कम लगता है सामने, लेकिन हाई बीम बहुत पावरफुल है। अगर मैं नेगेटिव के बारे में बोलना भी चाहूँ तो मैं लो बीम को आप कंसीडर कर सकते हैं ऐसे नेगेटिव पॉइंट। वैसे ये गाड़ी एकदम ऐसा नहीं है कि इसका जो जो भी नेगेटिव पॉइंट है आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे भी आज के डेट में इसका जो प्राइस रेंज है ये काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव प्राइस में आता है इसका फीचर्स के साथ, तो आप डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरा राइडर एक्सपीरियंस का बात करें, जो मुझे इसमें पॉजिटिव पॉइंट लगा है वो मुझे सबसे अच्छा लगा है जो कि इसका सीट का कुशनिंग, ये काफ़ी अच्छा बड़ा और कंफर्टेबल सीट है। और इसका जो गाड़ी का रिफाइनमेंट है, बजाज का पहला जो एक इशू रहता था वाइब्रेशन का और जो बजीनेस रहता था हाई आरपीएम में, इसमें ये बहुत रिजॉल्व कर चुका है, ये गाड़ी उतना वाइब्रेट नहीं करता, बहुत ही रिफाइंड फील होगा। और ऊपर से इस गाड़ी का जो ब्रेकिंग है आप देख सकते हैं, इसका जो पिछला ब्रेक है 230 mm का और फ्रंट में जो ग्रीमेका का जो 300 mm का जो ब्रेक है ये काफ़ी अच्छा है। इसका बाइट बहुत ही अच्छा है, आपको रोड में ये ब्रेकिंग में बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला है। ये दोनों चीज़ मुझे इसका सबसे टॉप लगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।